देश में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 3,26,098 नए मामले आए सामने। 3,890 लोगों की गई जान। आगरा में कोरोना वायरस संक्रमण ने ली एक और शिक्षक की जान, की थी चुनाव ड्यूटी। मेरठ में बारात पर हमला, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें, दूल्हे ने भागकर बचाई जान। रॉकेट हमले में मारी गई सौम्या संतोष का इजराइल से दिल्ली पहुंचा शव, यहां किया जाएगा अंतिम संस्कार। सीएम ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का निधन, कोविड-19 ने ले ली जान। जेवर में नवनिर्वाचित बीडीसी के पिता की गोली मारकर हत्या, गांव में भारी तनाव। बरेली में आपदा में अफसर तलाश रही, निजी एम्बुलेंस पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। मजबूर तीमारदार से एम्बुलेंस चालक ने कुछ दूर जाने के 15,000 रुपए वसूले। कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों सहित एम्बुलेंस को भी लिया कब्जे में। बहराइच में कोरोना से 6 की मौत, 161 मिले नए पॉजिटिव। बरेली जिला कारागार से 65 बंदियों को जमानत पर रिहा किया। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए न्यायालय ने जिला कारागार को दिए आदेश। बरेली जेल से अभी तक 200 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है। हुसैन सागर समेत हैदराबाद की ये 2 झीलें कोरोना से संक्रमित, स्टडी में हुआ खुलासा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।